बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की इससे पहले आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर, और अब हम लोग सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर सॉलिड्स को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास है कंडक्टर्स, दूसरी सेमीकंडक्टर्स एंड थर्ड वन इज़ द इंसुलेटर्स। अब इन तीनों कैटेगरीज में जो सॉलिड्स हैं उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी थी वो थ्योरी थी हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी। अब एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं तीन बैंड्स, और उन बैंड्स की बेसिस पर हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब वो तीन बैंड्स कौन कौन से हैं? वो बैंड हमारे पास हैं, एक हमारे पास है फॉरबिडन एनर्जी गैप, एक हमारे पास है वैलेंस बैंड, और थर्ड वन इज़ द कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी बैंड बेसिकली है क्या। एनर्जी बैंड क्या है कि जब मैं एटम्स को हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर आते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि उनकी तमाम तर एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स और सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाती है, और हर लेवल को हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप्स और फॉरबिडन बैंड्स। ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स जो हैं वो बैंड्स हैं जहाँ पर किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के चांसेस ज़ीरो होते हैं। इन गैप्स को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप्स और फॉरबिडन बैंड्स। फॉरबिडन बैंड्स के बाद हमारे पास आते हैं वैलेंस बैंड्स। जब हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होती है, वैलेंस शेल होती है, उसके इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होते हैं तो वो एक लेवल बनाते हैं, उस शेल को, उस लेवल को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। अब हमारे पास वैलेंस बैंड जो है वो कभी हो सकता है कि वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, एंड इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पार्शली फिल्ड भी हो, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा या फिर वो पार्शली फिल्ड होगा, और उसमें हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड वन, विच इज़ द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो है ये हमारे पास वैलेंस बैंड के बाद जो नेक्स्ट बैंड है वो हमारे पास है कंडक्शन बैंड, और इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कहलाती है फॉरबिडन एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी बैंड। कंडक्शन बैंड की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्रीली मूव कर सकते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टिविटी के लिए और करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सॉलिड्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, और हर कैटेगरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को कंडक्ट नहीं करते या करंट के फ़्लो को अलाउ नहीं करते। अब ये करंट के फ़्लो को अलाउ क्यों नहीं करते, इसका रीज़न क्या है, और एनर्जी बैंड थ्योरी इसको एक्सप्लेन कैसे करती है? तो एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका वैलेंस बैंड हमेशा कम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन उनका कंडक्शन बैंड हमेशा एम्प्टी होता है, ठीक है। देयर कंडक्शन बैंड इज़ एम्प्टी बट देयर वैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज़ वेरी लार्ज, और इस लार्ज एनर्जी गैप की वजह से, फॉरबिडन गैप होने की वजह से, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाए या करंट को कंडक्ट कर सके। इस वजह से इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो चीज़ें हैं जो फ्रीली जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को अलाउ करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली, इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली उसमें से मूव कर सकते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, तो हमारे पास जो है वो एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप मौजूद ही नहीं होता। देर इज़ नो फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द कंडक्टर्स, बल्कि उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैपिंग की वजह से ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर टाइम जो है वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो कंडक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से करंट को फ्लो करा सकते हैं। देन कम द सेमीकंडक्टर्स।
सेमीकंडक्टर्स वो कैटेगरी है सॉलिड्स की जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाया करती है, यानी कि ना तो ये कंडक्टर्स की तरह बहुत अच्छे तरीके से करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं और ना ही इंसुलेटर्स की तरह बिल्कुल पूरे तरीके से करंट को स्टॉप करते हैं। यानी कि इनकी कंडक्टिविटी लाए करती है इन द मिड रेंज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी मिड रेंज में लाया करती है? तो एनर्जी बैंड थ्योरी कहती है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका जो वैलेंस बैंड होता है वो हमेशा पार्शली फिल्ड होता है और इनका कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है, यानी कि देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड एज वेल एज इन द कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड्स के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन बैंड है, उसकी विड्थ बहुत ही कम होती है, बहुत छोटा सा एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी उनको एनर्जी मिलती है वो इजीली इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये लो टेम्परेचर पे एज इंसुलेटर्स और हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर बिहेव करते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में शामिल हो जाते हैं और कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह के सॉलिड्स के अंदर जो एनर्जी बैंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।